हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनथ टर्म ऑफ द एपी वाला टॉपिक पूरा हो चुका है, सम ऑफ द एन टर्म वाला टॉपिक का एक वीडियो बन चुका है, टर्न है अगले वीडियो का। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज दी हुई है, -15, -13, -11 डॉट 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 आर नीडेड टू मेक द सम -55। मतलब एक सीरीज दी है, सम दिया हुआ है सीरीज का, और बताना है कि कितनी सारी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मिलाकर सम आएगा -55। लास्ट में एक चीज लिखिए, फाइंड द डबल आंसर। अब फाइंड द डबल आंसर का मतलब, मैं जब आंसर आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगी, तब बताऊंगा। बहुत लॉजिकली समझना तब उसे, ठीक है। नाउ सीरीज में सबसे पहले ए, जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और उसको दिया कितना है -15। फिर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, बाद वाली में से पहले वाले टर्म माइनस कर दो। इसमें से इसे माइनस कर सकते हो, इसमें से इसे माइनस कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं इसमें से इसे माइनस करके देख रहा हूं, तो बाद में से माइनस करेंगे पहले वाली, वो भी है -30। तो कितना हो गया, -11 + 30, और कॉमन डिफरेंस आ गया +2। सम भी दिया हुआ है क्वेश्चन मुझे, कितना एस एन दिया हुआ है -55। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ एन का वैल्यू निकालना है। क्यों कह रहा है कि कितनी सारी टर्म्स मिलाकर सम आएगा -55। तो ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है एस एन का, पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, एन बाई टू 2a + n - 1d। देखो इसमें सब कुछ दिया है, बस n ही गिवन नहीं है, n ही फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 55, n बाय टू 2a, ये कितना है -15 प्लस n माइनस 1d, और d कितना है 2। ये मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस वन इधर, तो ये आएगा आपके पास 110, लेकिन माइनस का इज इक्वल टू n, कितना आएगा -30 + 2n - 2। अगला स्टेप देखिए, -110 = n, ब्रैकेट में ये हो गया 2n - 32, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2n² - 32n, इस -110 को उधर ले आइए, तो +110 = 0। पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो रही है, सिंप्लीफाई हो जाएगी थोड़ी सी, तो देखिए कितना आएगा n² - 16n + 2 5 = 10, और 2 5 = 10, ये लीजिए इक्वेशन आपकी तैयार है। बस इसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर रहा हूं, 35 के फैक्टर निकालते हैं, तभी पता चलेगा स्प्लिटिंग कैसे होगा। 5 × 5, 5 × 5, तो 5 और 11 दो फैक्टर्स आ गए, और आंसर में चाहिए -16, तो क्या करूं, -5 - 11, ये तो छोटी क्लासेस में आपने सीखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो n² - 5n - 11 है, +55 = 0। अब पहले दो टर्म में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, कितना बचा n - 5। ये वाला टर्म हमेशा एज इट इज लिख दीजिए। अब चेक करिए क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, ये लीजिए 11 बाहर आ गया। अब क्या बचेगा अंदर, 11n। अब ये ध्यान रखो यहाँ प्लस है, तो माइनस में ऐसा कौन सा साइन मल्टीप्लाई करो कि प्लस आ जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -, -, प्लस, और 11 5 = 55। आपको अगर डाउट लग रहा है आपके इसमें, तो क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो साइन के साथ, एग्जैक्ट यही टर्म आ रहा है, तो बात सही है, बन गया आपका। कॉमन आ रहा फिर से n - 5, और बचा क्या n - 11 = 0। अब फिर से दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों ही जीरो के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर n - 5 = 0 और n - 11 = 0। यहां से देखना है n का वैल्यू क्या आ गया, n आ गया 5 और n आ गया 11, क्योंकि n की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों ही वैलिड आंसर है। अब टर्न आता है कि फाइंड द डबल आंसर, और देखो डबल आंसर का लॉजिक भी है इसमें। क्यों, सम कितना दिया है अपने को -55, ध्यान से समझना, मतलब 5 टर्म जोड़ू तब भी आंसर माइनस का 55, और अगर सीरीज की 11 टर्म जोड़ू तब भी आंसर -55। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 5 टर्म जोड़ के जो आंसर आ रहा है वही 11 टर्म जोड़ के भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सारी टर्म्स आपके पास है उसमें कुछ नेगेटिव टर्म्स भी होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, इसलिए 5 टर्म जोड़ के जो आंसर आ रहा है वही आंसर बिल्कुल 11 टर्म जोड़ के भी आ रहा है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, कह रहा ना एक्सप्लेन द डबल आंसर, फाइंड द डबल आंसर। तो इसका मतलब हो गया, सिंस द टर्म्स ऑफ एपी कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, हेंस द सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ 11 टर्म्स। बस आपको ये बताना है 5 टर्म जोड़ के जो आंसर आ रहा है वो 11 टर्म जोड़ के कैसे आ रहा है, क्योंकि जो टर्म्स आपने ली हुई है, जो टोटल टर्म्स हैं, उसमें कुछ टर्म पॉजिटिव होंगी, कुछ टर्म नेगेटिव होंगी, इसलिए कुल मिलाकर 11 टर्म का जो आंसर है वही कुल मिलाकर 5 टर्म का है। बस ये आपका आंसर फाइनल होगा। तो ये एक्सप्लेन करते हैं डबल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर तक आ सकता है। कह रहा है सॉल्व
और कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या निकालना है? तो देखो पूरी सीरीज में एक वेरिएबल दिया है x, और वो वेरिएबल सीरीज का आखिरी टर्म है, तो क्या निकालना है? भाई सीरीज की आखिरी टर्म क्या होती है? वो कहलाती है an, लास्ट टर्म, nth टर्म, जो कि x गिवन है। मतलब आपको आंसर में nth टर्म का वैल्यू चाहिए जो कि x से डिनोट हो रही है। और क्या दिया है? सम दिया है a और d, तो हम निकाल ही लेंगे। तो चलो पहले सीरीज को सही से लिखते हैं, माइनस फोर माइनस वन, क्योंकि प्लस एक टू माइनस माइनस करना था ना, प्लस टू डॉट 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 प्लस एक्स इज इक्वल टू 437। अब यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया? माइनस फोर, और कॉमन डिफरेंस बाद वाली में से पहले माइनस करो, तो टू में से माइनस करो क्या, माइनस वन, कितना आएगा, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। और देखो आपको एस एन भी दिया हुआ है, कितना 437। तो एस एन को यूज करके पहले हम एन निकालेंगे। तो चलिए फॉर्मूला एस एन का क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू 2a plus n minus 1d। चलिए वैल्यू डालते हैं, एस एन हो गया 437 is equal to n by 2, n तो फाइंडिंग करना है ना, 2a, a कितना है minus 4 plus n minus 1, और d कितना है, d है आपके पास 3। चलिए 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्रॉस, तो 27 जा 14, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 और 2 4 जा 8, n कितना आ गया minus 8 plus 3n और minus का 3, अब कितना आएगा 874 is equal to n 3n माइनस का 11, मल्टीप्लाई कीजिए 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस का 874 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग को मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। तो जनरल फॉर्म लिखते हैं an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें देखिए a का वैल्यू क्या होगा 3, d का वैल्यू क्या होगा माइनस 11, और c का वैल्यू होगा माइनस का 874। फॉर्मूला क्या होता है, होता है n इज इक्वल टू, देखो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल n है ना, इसलिए मैं n लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया होगा तो आपने जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होगा, लेकिन उस केस में जो वेरिएबल होता है तब x होता है, ठीक है, इसलिए मैं n लिख रहा हूँ। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एन इज इक्वल टू माइनस बी, एक माइनस पहले से ही है, तो प्लस 11 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए इज 3 इंटू सी, सी इज माइनस का 874 होल अपॉन 2a, a इज अगेन 3, n इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस पे स्क्वायर लग रहा है तो माइनस तो गया, और 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 इंटू 874 होल अपॉन में 6 आ गया। अब जब रूट के अंदर सॉल्व करते हैं, पहले 874 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 4 7 और 8, तो 8 8 14 या अगर 10488, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 10488 और होल के नीचे 6। चलिए इसे ऐड करते हैं, यह n इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 और 1 9, 8 और 2 10 और 1 कैरी, 4 5 और 6 और 0 और 1। अब चेक कर लेते हैं 10609 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट है 103 का, आप चेक करके देख सकते हो। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख दिया 103 और अपॉन 6। तो दो यहाँ पर टर्म्स आ रहे हैं प्लस माइनस वाले, तो केस 1 केस 2 में दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए केस 1 और ये हो गया मेरा केस 2, एक बार पॉजिटिव ले लीजिए इधर, एन प्लस 103 अपॉन 6 और n इज इक्वल टू 11 माइनस 103 अपॉन 6। तो आप देख सकते हो यहाँ कि यहाँ एक, अब आप देख सकते हो यहाँ एक नेगेटिव आंसर आएगा, अब n जैसी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे आप निगलेक्टेड। चलिए यहाँ आइए, यहाँ एक पॉजिटिव आंसर आएगा n का, तो ये हो गया आपके पास 4, तो ये हो गया 1 और 1 अपॉन 6, कैंसिल आउट होगा, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n आ गया आपके पास 19। अभी n आया है, लेकिन सोचो हमें n नहीं, हमें x निकालना था, x क्या है, वो एक्चुअल में an ही है आपका। तो देखो जरा an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। अब इस an की जगह क्या लिख दूं, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, x ही तो है, सीरीज की लास्ट टर्म ही तो आपकी an होती है जो आपको x दी हुई है। अब a, a कितना है माइनस 4 प्लस n माइनस 1, n है 19, तो 19 माइनस 1 18 इंटू डी, डी कितना आया था, डी आया था हमारा 3, ये लीजिए तो कितना आ गया माइनस 4 प्लस 3 8 24 और 54 आ गया, तो माइनस 4 प्लस 54 तो कितना आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 50। देयरफॉर द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज व्हिच इज डिनोटेड बाय x हियर इज
50 आ गया फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं था, फाइंड क्या करना है, सिर्फ सीरीज देख के आपको पहचानना था कि x निकालना है जो कि सीरीज की आखिरी टर्म है, मतलब हमको n टर्म फाइंड आउट करना था। फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, मतलब आपको सम निकालना है 17 टर्म्स का, मतलब आपको आंसर में s17 चाहिए। देखो क्वेश्चन में और क्या किया है, हूज फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज -15 एंड -30 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको फोर्थ टर्म दी है और आपको नाइन्थ टर्म दी है, कितनी कितनी दी हुई है, एक दी है -15 और एक दी है -30। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां से इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए और डी मिल जाएगा, फिर इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मुला लगाना है। देखो यार, तो फॉर्मुला ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो देखो ए प्लस 4 - 1 3d इज इक्वल टू -15 और देखो ये कितना आएगा, ए नाइन निकालना है ना, तो कितना होगा ए प्लस 9 - 1 मतलब 8d इज इक्वल टू -30। अब लिखना क्या है यहाँ पर स्टार्ट में, कि हियर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल असाइन करना नहीं भूलना आप लोगों को। ये लीजिए साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3d माइनस का 8d तो माइनस का 5d, माइनस 15 और प्लस 30 तो ये हो गया प्लस 15, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 15 upon -5, तो डी हो गया -3। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में डाल दो ए निकालने के लिए, चलो छोटी में डालते हैं, तो मैं इसमें डाल रहा हूं, तो ए प्लस 3d इज इक्वल टू -15, तो ए -9 इज इक्वल टू -15, ए कितना हो गया -15 + 9 और ए का वैल्यू हो गया -6। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपका डी और ए दोनों आ गया, बस एस एन निकालना है। अब एस एन मतलब s17, s17 का वैल्यू क्या होगा, देखो n by 2 मतलब 17 by 2, 2a plus 17 minus 1 मतलब 16d, a मेरे पास है, d मेरे पास है, सिर्फ फॉर्मूले में ही तो पुट करना है, तो 17 upon 2, 2a, a कितना है -6 plus 16 into d, और d कितना है वो है -3, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, कोई भी ट्विस्ट नहीं था क्वेश्चन में। यह 17 by 2 minus 12 और minus का 16 थीजा 48। नेक्स्ट स्टेप देखिए 17 by 2 अभी हो गया आपके पास माइनस का 60, कैंसिल आउट हुआ 30 टाइम्स, हो गया 17 इंटू माइनस का 30, तो जीरो पीछे आ गया, 3 7 21 और 2, 3 1 3 और 5, तो सम कितना आया आपका पहले 17 टर्म्स का, द सम ऑफ 17 टर्म्स -510। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय, मतलब एक nth टर्म दी है आपको डायरेक्ट जनरल फॉर्म में, वो क्या दी है माइनस का 4n प्लस 15, इस फॉर्म में दिया आपको एरर टर्म, और कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, आपको क्या निकालना है, s20 निकालना है, और आपको जनरल टर्म गिवन है, सीरीज नहीं गिवन, तो अगर जनरल टर्म गिवन है तो n की 1 2 3 4 5 डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सीरीज बना लेते हैं, और क्या रहेगा, और कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो चलो सबसे पहले इसमें मैं पुट करता हूं 1 फिर 2 और फिर 3, 3 से ही अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो 1 डालते हैं पहले, तो -4 × 1 और +15, तो -4 + 15, तो आ गया आपके पास 11, सीरीज का पहला टर्म आया 11। चलिए 2 डालते हैं, तो -4 × 2 और +15, -8 + 15 और ये आपके पास आ गया 7, तो 7 आ गया सेकंड टर्म। चलिए 3 डालते हैं, तो -4 × 3 +15, -12 + 15 ये हो गया आपके पास +3, ये लीजिए .. 3 टर्म से काम चल गया, सीरीज बन गई, तो ए क्या है सीरीज का 11, डी क्या है सीरीज का माइनस करो 7 - 11 दैट इज इक्वल टू -4, और एन क्या है आपके पास 20, निकालना क्या है s20 निकालना है, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला डालना है, तो एन बाय 2 2a + 19, क्योंकि 20 - 1 है ना, तो 19, और डी कितना आ गया -4। मेरे ख्याल से आप तो सिर्फ सॉल्यूशन करना रह गया, ये आप खुद कर लेना, क्वेश्चन फिनिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, देखो ध्यान से, कह रहा है इफ sn denotes the sum of n terms of the AP, तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करके लाना है कि s12 is equal to 3 times s8 minus s4, तो हमेशा ध्यान रखना प्रूविंग के केस में बड़े टर्म से चलते हैं स्टार्ट करना, बड़े टर्म से चलते हैं प्रूव करना और छोटे टर्म तक पहुंचते हैं, तो RHS से स्टार्ट करते हैं, LHS में अपने आप आ जाएंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन देखो, लेकिन सबसे पहले लिख देते हैं a is the first term, d is the common difference, हमेशा AP का जब भी क्वेश्चन करें तो आप वेरिएबल a और d असाइन करेंगे तो उसे आप पहले लिख दो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैंने क्या लिया RHS लिया, तो क्या लिखा है 3 टाइम्स ऑफ s8 माइनस का s4, चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो s8 का वैल्यू अलग निकाल लो एक्सप्रेशन,
एस फोर के एक्सप्रेशन अलग निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो, ये एक ही बात है ठीक है। तो थ्री टाइम्स, पहले एस एट, फॉर्मूला क्या है एसएन का, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये लीजिए, माइनस माइनस लगते ही एक ब्रैकेट और लगना चाहिए, फिर से भाई एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये लीजिए ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले से, ये हो गया फोर, टू ए प्लस का सेवन डी माइनस ब्रैकेट ये हो गया टू, टू ए प्लस थ्री डी और ये ब्रैकेट बंद ठीक। अगला स्टेप विच इंप्लाइज के सिंबल भी डाल देना, तो अंदर फोर इंटू करते हैं यहाँ टू इंटू करते हैं, तो एट ए प्लस ट्वेंटी एट डी माइनस, अभी ब्रैकेट खोल नहीं रहे, फोर ए प्लस सिक्स डी ये ठीक है। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो गया एट ए प्लस ट्वेंटी एट डी माइनस का फोर ए और माइनस का सिक्स डी। अगला स्टेप देखिए, ये हो गया आपके पास एट ए माइनस फोर ए इस फोर ए और ट्वेंटी एट डी माइनस का सिक्स डी, तो ये हो गया आपके पास प्लस का ट्वेंटी टू डी। देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कॉमन टू आ रहा है इसमें से, निकाल लो भाग, तो थ्री तो है ही भाग, टू और आ गया, कितना बचा टू ए प्लस इलेवन डी। अब देखना एक्सप्रेशन कितना आ गया, हम पहले देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एस ट्वेल्व, चलो उसको यही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और चेक करते हैं एस ट्वेल्व कितना आता है। एस ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व बाय टू मतलब एन बाय टू टू ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन इलेवन डी, मतलब एक्सप्रेशन लिखा हुआ आना चाहिए सिक्स टू ए प्लस इलेवन डी, जरा चेक करना क्या लिखा है, ये थ्री टू जा सिक्स ही तो लिखा है, तो सिक्स टू ए प्लस इलेवन डी, तो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कुछ करना ही नहीं था, आ गया आसानी से आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आसान सा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है। तो चलो कुछ नहीं, 6 का टेबल स्टार्ट कर दो, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, अब क्या कहां तक जाए, तो भाई कुछ नहीं करें डॉट 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 लगा दें, लेकिन ध्यान रखना सम निकालना है तो प्लस भी लगना जरूरी है यहां पर ठीक है। आखिरी टर्म भी जुड़ती नहीं है आपको, क्यों, ए देखो कितना आ गया 6, डी कितना आ गया 12 माइनस 6 6 और एन तो आपको पहले ही पता है कितना 40, तो बस एस एन ही तो निकालना है आपको यहाँ पर, तो व्हाट इज एस 40 देन, 40 बाय 2 2 ए 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 39 इंटू डी डी 6 हो गया, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, तो 40 आ गया 12 प्लस ये सॉल्व कर लेते हैं, 6 9 54 5 कैरी 6 18 ये हो गया आपके पास 23, सम करिए तो 20 इंटू ये आपके पास आ गया 6 और फिर आपके पास आ गया 4 और ये आ गया 2, अब मल्टीप्लाई कर लिए 0 पीछे आ गया 2 6 जा 12 1 कैरी 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4, तो व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 इज 4920, आ गया आंसर। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर, तो दो डिजिट के नंबरों का सम निकालना है, तो पहले सीरीज तो बना लें, तो दो इंटे नंबर स्टार्ट कहां से होंगे, बाकी बार 10 से स्टार्ट होंगे, फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 और आखिरी टर्म कौन सा होगा, ये भी पक्का है कि 99 होगा, मतलब सीरीज तो आपको पहले की बार है, लेकिन सम निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है, एन की जरूरत पड़ती है, भाई कितने नंबर्स का सम निकालोगे, तो क्या करो इस ए एन को यूज करके पहले एन निकाल लो ठीक है। तो देखो ए कितना हुआ आपके पास 10, फर्स्ट टर्म 10 है, डी कितना हुआ माइनस करो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ए भी आ गया डी भी आ गया और ए और डी क्या है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, लेट लेना पड़ेगा पहले आपको ठीक है, और ए एन कितना दिया हुआ है वो दिया है 99, एन भी लिख दीजिएगा नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, जो भी निकल के आ जाएगा हमारा, तो लगाइए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, कितना है ए 99, ए प्लस एन तो भाई निकाल ही रहे हैं हम और डी डी का भाई 1, चलिए 10 को उधर लाइए 99 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 तो ये रह गया 89, फिर ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर टू डिजिट के कितने टर्म्स होते हैं 10 से लेके 99 तक 90 टर्म्स होते हैं, और अब करना क्या है सम निकालना है इसका, तो एस 90 निकालना है, फॉर्मूला एन बाय टू टू ए, ए कितना 10 प्लस एन माइनस 1 तो ना तो 90 माइनस 1 89 एंड व्हाट इज डी, डी इज 1 ये लीजिए, तो बस 45 इनटू 20 प्लस 89 सिंपल कैलकुलेशन है, 45 इनटू ये हो गया आपके पास 9 और 8 हो 10, तो ठीक है अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 4905, तो ये लीजिए आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं,
सम ऑफ एंटम्स ऑफ एपी के करीब करीब हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको जितने भी डाउट्स हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के आखिर में दी गई है। ठीक है, लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।